बिनाइन डिजीजेज ऑफ द ब्रेस्ट। बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, क्या लिखा हुआ है? नॉन प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव विदाउट एटीपिया, ये है एपिथेलियल ट्यूमर्स। बेसिकली एपिथेलियल ट्यूमर्स को हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव विदाउट एटीपिया एंड विथ एटीपिया। तो नॉन प्रोलिफरेटिव में कौन कौन से आते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने ही लिखा हुआ है, फाइब्रोसिस्टिक चेंज। इससे, इस वर्ड से हम क्या मतलब समझते हैं? कुछ समझ आ रहा है इस वर्ड से? मतलब सिस्ट बन रहे हैं इसमें, तभी सिस्टिक वर्ड हुआ है इसका। बेसिकली इस जो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, एज टू क्लिनिशियन उसको एक वेग लंप मिलता है। वेग मतलब फाइब्रोएडिनोमा जो होता है वो एक प्रॉपर लंप फॉर्मेशन होता है। फाइब्रोएडिनोमा हिस्टो में देखा है, प्रैक्टिकल में हुआ होगा ना स्लाइड? प्रैक्टिकल में नहीं हुई फाइब्रोएडिनोमा की स्लाइड? नहीं हुई है, अच्छा। फाइब्रोएडिनोमा जो होता है वो एक बहुत कॉमन नाम सुना है, फाइब्रोएडिनोमा सुना है, फाइब्रोएडिनोमा टर्म सुना है? ये टर्म भी नहीं सुना है कभी भी। फाइब्रोएडिनोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है ब्रेस्ट का। इट इज अ वेल डिफाइंड इनकैप्सुलेटेड लीजन, मोस्ट कॉमन है टीनेज से लेके प्यूबर्टी तक, सॉरी टीनेज से लेके मेनोपॉज तक प्रेजेंट कर सकता है किसी भी फीमेल में। हार्मोनल इश्यूज की वजह से होता है, हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है। तो हम प्रैक्टिकली फाइब्रोएडिनोमा को फाइब्रोसिस्टिक डिजीज से ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स क्लिनिशियन कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? फाइब्रोएडिनोमा इज अ वेल डिफाइंड लीजन, वहीं फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस जो होते हैं वो एक लंपी बंपी लीजन होते हैं, मतलब वो एक वेग स्वेलिंग जैसे प्रेजेंट करते हैं क्लिनिशियन को। एंड टू रेडियोलॉजिस्ट इट प्रेजेंट एज अ ब्रेस्ट लंप विथ सिस्ट, तभी हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज बोल रहे हैं। क्लिनिशियन सबसे पहले ब्रेस्ट के केस में एफएनएसी करने नहीं भेजता ना, यूएसजी कराने भेजता है ना। सोनोग्राफी होती है ब्रेस्ट की, सोनोग्राफी के लिए भेजता है पहले क्लिनिशियन। और हिस्टोलॉजिकली जब हमारे पास में आता है तो बेसिकली फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में हमें तीन चेंजेस मिलते हैं, सिस्टिक चेंज मिला ही, फाइब्रोसिस मिलता है, एडिनोसिस मिलता है। सिस्ट कैसे दिखते हैं हिस्टोलॉजिकली? हिस्टो में एक्स वाई जेड बहुत सारी स्लाइड्स में सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट देखे होंगे आप लोगों ने। सिस्ट कैसा दिखता है हिस्टोलॉजिकली? कोई भी सिस्ट अगर हम स्लाइड पे देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, क्या अपीयरेंस आती है सिस्ट की? नहीं पता। बेसिकली एक डायलेटेड कैविटी विच इज लाइंड बाय सेल्स, सिस्ट। सिस्ट का मतलब क्या, अंदर फ्लूइड फील्ड है, ये टर्म तो पता है ना, सिस्ट कब बोलते हैं हम लोग, है ना, अंदर फ्लूइड फील्ड है। तो बेसिकली वो एक कैविटी होगी जो कि लाइंड होगी सेल्स के साथ में। तो इसके अंदर वो कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं? इधर दे कुड बी अ फ्लैटेंड सेल लाइनिंग और एपोक्रीन सेल लाइनिंग। एपोक्रीन लाइनिंग जब भी होती है दैट मीन्स इट इज अ सिक्रीटरी एपिथीलियम, मतलब वहां पे सिक्रीशन हो रहा है। जहां भी सिक्रीशन की बात आती है, सॉरी, लाइक सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, थायराइड में सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है, तो जहां पे भी, वहां पे हम एपोक्रीन वर्ड यूज नहीं करते हैं थायराइड में, अदरवाइज बाकी सब जगह जहां भी सिक्रीशन की बात आती है हम लोग के सेल्स कैसे हो जाते हैं एपोक्रीन। एपोक्रीन मतलब सेल कैसे दिखने लग जाते हैं, प्लम्प प्लम्प सेल दिखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पिंकिश और बड़े बड़े सेल की लाइनिंग होती है। सेल जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, पिंकी पिंकी हो जाता है बहुत ज्यादा। सेकेंड चेंज इसमें दिखता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस कैसा दिखता है
हिस्टोलॉजिकली फाइब्रोसिस कैसा दिखता है? बेटा यार ऐसा तो मत करो, हिस्टो की कुछ तो स्लाइड्स हुई होंगी ना प्रैक्टिकल में, जीरो स्लाइड्स थोड़ी हुई है। मैं तो कुछ पर्टिकुलर डिजीज नहीं पूछ रही, मैं तो एक बेसिक टर्म पूछ रही हूँ, फाइब्रोसिस दिखता कैसा है स्लाइड पे। पैथो की क्लास लगाने आए हो ना, तो पैथो तो पता होनी चाहिए। ठीक है आगे फोटो में देखेंगे। तो फाइब्रोसिस में क्या होता है, सिस जो होते हैं वो रप्चर होते हैं, वो अपने सिक्रीशन को स्ट्रोमा में रिलीज करते हैं, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और वहां पे फाइब्रोसिस हो जाता है। और ये बेसिकली जो हमें जो भी नोड्युलैरिटी फील होती है ब्रेस्ट में ड्यू इन फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, वो इस फाइब्रोसिस की वजह से होती है। फाइब्रोसिस कभी भी कहीं पर हीलिंग होती है, कुछ भी होता है तो हार्डेंड हो जाता है वो एरिया, तो वहां पे बेसिकली फाइब्रोसिस हो रहा होता है। ठीक है एक्सक्यूज मी। थर्ड चेंज इसमें होता है एडिनोसिस। एडिनोसिस मतलब एडिनोसिस, ये वर्ड हमें क्या बता रहा है? ये बेटा सब कुछ तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, कम से कम इसको देख के बोल दो, ये वर्ड हमें क्या बता रहा है एडिनोसिस? क्या लिखा है? मैं इंग्लिश पढ़नी आती है, अभी लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं यार, इंग्लिश पढ़नी आती है। पेपर कौन सी लैंग्वेज में लिखते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, या अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो भी है, किस में लिखते हो? रीजनल लैंग्वेज में लिखते हो। कौन लिखता है भाई रीजनल लैंग्वेज में पेपर? इसीलिए इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं तुम्हारे, बहुत अच्छे मार्क्स आए ना अभी वाले एग्जाम्स में, एग्जाम में तो इसीलिए आए ना, रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए हैं पेपर। अपने यूनिवर्सिटी में भी रीजनल में ही लिखना बेटा, ठीक है? फिर अगले साल हम इसी क्लास में मिलेंगे। मैंने बोला ना मुंह खोलो समझ के, जब क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो बकवास मत करो यहाँ पे। मैं एक एक करके सबको अभी निकाल दूंगी क्लास से। लंच करके सेकंड हाफ में बैठे हो ना अटेंडेंस के लिए, उसी के लिए आयो, निकाल दूं मैं एक एक करके सबको क्लास से। एडिनोसिस मतलब होता है एडी, ये एडी वर्ड का मतलब क्या होता है, एडीई जब हम कहीं भी यूज करते हैं, ग्लैंड होता है इसका मतलब, है ना? तो एडिनोसिस मतलब नंबर ऑफ ग्लैंड्स का इंक्रीज होना। फॉर इन केस जब हम ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं तो उस केस में बेसिकली क्या होता है, जो ऐसे ब्रेस्ट में नॉर्मली सॉरी लोब्यूल्स होते हैं। ब्रेस्ट की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी पता है, नॉर्मली ब्रेस्ट कैसा दिखता है हिस्टोलॉजिकली जब हम पैथो में देख मतलब स्लाइड पे देखते हैं, आइडिया है? डक लोब्यूलर यूनिट्स होते हैं, TDLU बोलते हैं, टर्मिनल डक लोब्यूलर यूनिट्स। ब्रेस्ट में डक्स होती हैं, और मैं मतलब कहाँ और कितना नीचे जब जाके पूछूं मैं, ब्रेस्ट में डक्स होती हैं ये पता है? ब्रेस्ट में सिक्रीशन कहां से होता है? डक्स से ही होता है सिक्रीशन, ब्रेस्ट में डक्स होती है ना। तो बेसिकली वो जो डक्स होती हैं वो सारी डक्स एक साथ मिलके एक एक जगह पे लोब्यूल बनाती हैं, ठीक है? उसको हम TDLU बोलते हैं, लास्ट टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट। ऐसे ब्रेस्ट में बहुत सारे TDLUs होते हैं। तो बेसिकली ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारे एपिथीलियल स्ट्रोमल, ये सारे चेंजेस उन्हीं TDLU उन यूनिट्स और ब्रेस्ट के स्ट्रोमा से रिलेटेड हैं। किसी को भी प्रॉब्लम है बेटा? देखो सोना है सो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सो रहा है कौन जग रहा है, चुप रहो बस, जिसको भी सोना है सो जाओ, क्लास में बैठे हो अटेंडेंस तो मिल ही जाएगी, चाहे सो के मिले चाहे जग के मिले। तो ब्रेस्ट में जो भी सारे ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहे हैं वो आपके TDLU यूनिट या फिर ब्रेस्ट के स्ट्रोमा की वजह से हो रहे हैं, जो स्ट्रोमा उन डक्स के बीच में है वो, या फिर जो उन दो दो यूनिट्स के बीच में स्ट्रोमा है उसमें। तो इसमें बेसिकली हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रही है डायलेटेड डक्स, ये आपके सिस्ट है,
फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में हमने बोला सिस्ट फॉर्मेशन होता है, फाइब्रोसिस होता है और एडिनोसिस होता है. तो ये आपका सिस्ट फॉर्मेशन हो गया. ये डायलेटेड डक्ट्स जो है, ये जो सेल्स दिख रहे हैं इसके अंदर, ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं इस डक्ट्स के अंदर, ये सब एपोक्रीन चेंज हो रहा है. एडिनोसिस मतलब मैंने अभी आप बोला नंबर ऑफ डक्ट्स बढ़ जाएंगी एज कंपेयर्ड. तो ये यहाँ इस वाले एरिया में देखो पास पास में बहुत सारी डक्ट्स है. क्या हो गया, इस एरिया में बहुत सारी डक्ट्स है और इसमें बेसिकली ये वाला आप छोड़ दो एरिया, ये फाइब्रोसिस हो रहा है. यहाँ पे फाइब्रोसिस क्या होता है, बेसिकली कोलाजन डिपोजिशन जो होते हैं ना उस एरियाज को हम लोग बोलते हैं. कुछ पूछना है, फोटो नहीं समझ में आ रही है, क्या हुआ है? एक्सक्यूज मी, मैं करती हूँ थोड़ी दफ्तर में, जो भी उसको देना हो लेना हो दे दे. क्या हो गया, इस फोटो को वापस समझाऊं, नहीं समझ में आ रहा है. नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव डिजीज विदाउट एटीपिया. विदाउट एटीपिया मतलब, एटीपिया वर्ड मतलब कब यूज करते हैं हम, एटीपिया टर्म का मतलब क्या होता है? अरे यार एटीपिया टर्म का मतलब क्या होता है? एटिपिकल, एटिपिकल टर्म का मतलब क्या होता है? हाँ, एनाप्लास्टिक चेंजेस, नॉर्मल से अलग चेंजेस. इट कुड बी अ रिएक्टिव एटीपिया जो कि नॉर्मल हो सकता है, वो कोई न्योप्लास्टिक कंडीशन नहीं है. इट कुड बी अ न्योप्लास्टिक कंडीशन, बट जो चीज नॉर्मल से अलग है उसको हम लोग एटीपिया बोलते हैं. तो प्रोलिफरेटिव डिजीज विदाउट एटीपिया, इस केस में बेसिकली इस केस में एटीपिया टर्म यूज हो रहा है एटिपिकल चेंजेस की वजह से, न्योप्लास्टिक चेंजेस के रिस्पेक्ट में. तो वो डिजीजेस जिसमें कि एटीपिया नहीं है लेकिन वो प्रोलिफरेटिव है, मतलब उसके अंदर किसी भी चीज का प्रोलिफरेशन हो रहा है. और यह हम एपिथेलियल ट्यूमर्स पढ़ रहे हैं तो इस केस में बेसिकली एपिथेलियल सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है. एक्सक्यूज मी, फर्स्ट है एपिथेलियल हाइपोप्लेशिया. ये आपका नॉर्मल डक्ट है, इसमें यहाँ पे मायो एपिथेलियल सेल्स है और अंदर की तरफ में जो ये सेल्स है राउंड राउंड जो सेल्स दिख रहे हैं ये सब आपके डक्टल सेल्स है. ये आपका है बेसिकली एपिथेलियल हाइपोप्लेशिया, मतलब कि आपके जो डक्टल सेल्स है ना वो डक्टल और मायोपिथेलियल सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट हो गए हैं और उन्होंने, ये पूरी एक ही डक्ट थी, उन्होंने इसके लुमेन को पूरा भर दिया है. लेकिन अगर आप इसी को हाइपर में देखेंगे तो ये सारे जो न्यूक्लियस हैं वो सब नॉर्मल है, उसमें कोई भी एटिपिकल चेंजेस या कुछ भी मेलिग्नेंसी वाले चेंजेस नहीं है. बेटा मैंने बोला आपको सोना है, आप सो जाओ, बात मत करो. आपको सोना, जिन जिनको भी सोना है वो सब सो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बात मत करो. तो एपिथेलियल चेंजेस है, एपिथेलियल प्रोलिफरेशन हुआ है लेकिन सारे के सारे जो न्यूक्लियस इसमें रहेंगे वो सब नॉर्मल नॉर्मल लुकिंग न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूप्लास्टिक चेंज नहीं हो रहा है उसमें. नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स क्लेरोजिंग लीजन. इसके अंदर बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस होगा, एडिनोसिस वर्ड समझ आया, पैपिलोमास एंड एपिथेलियल हाइपोप्लेशिया. एपिथेलियल हाइपोप्लेशिया मतलब डक्ट्स के अंदर की लूमेन जो है वो पूरी भर जाएगी सेल्स से, वो होता है एपिथेलियल हाइपोप्लेशिया. स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस मतलब ये नंबर ऑफ ग्लैंड्स बढ़ गए सर, ये सारे ग्लैंड्स हैं आपके और बीच में ये जो पिंकी पिंकी एरिया है, ये पिंकी पिंकी जो आपको दिख रहा है पूरा इधर ना, ये आपका स्क्लेरोजिंग हो रहा है, स्क्लेरोसिस हो रहा है इसमें. बेसिकली पिंक हो जाएगा पूरा
और न्यूक्लियस नहीं होगा उस एरिया में, ये वाला। और पैपिलोमा, ये एक पैपिले की जैसे है। पैपिला मतलब समझते हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, तो ये बेसिकली एक, सॉरी, ये बेसिकली एक पैपिले की जैसे है। ये होता है कॉम्प्लेक्स क्लेरोजिंग लीजन। इसको हम लोग रेडियल स्कार भी बोलते हैं, लेकिन इसका सर्जरी से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक मिसनोमर है। रेडियल स्कार भी इसी का ही टर्म होता है। नेक्स्ट होता है एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया में पैपिलोमा, इंट्राडक्टल पैपिलोमा। पैपिलोमा होता है इंट्राडक्टल पैपिलोमास, जो ब्रेस्ट डक्स होती हैं उसके अंदर बेसिकली ऐसे प्रोलिफरेटिव लीजन हो जाता है। ये पूरा एक लीजन है। सॉरी, ठीक है, ये भी होता है एपिथेलियल प्रोलिफरेटिव लीजन विदाउट एटिपिया। नेक्स्ट एक होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मतलब क्या होता है? मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो मेल ब्रेस्ट में क्या होता है, डक्स या लोब्यूल्स में से क्या मेल ब्रेस्ट में होते हैं और क्या नहीं होते हैं? मेल ब्रेस्ट में डक्स होती हैं पर लोब्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने बोला आपसे बहुत सारी डक्स एक साथ एक जगह पे मिलके एक पूरा लोब्यूल बनाती है, जिसे हम लोग TDLU बोलते हैं, टर्मिनल डक लोब्यूलर यूनिट। तो बेसिकली मेल ब्रेस्ट में क्या होता है, मेल ब्रेस्ट में जगह जगह पे डक्स होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक कंसेंट्रिक एरियाज नहीं होते जहां पे एक प्रॉपर लोब्यूल फॉर्मेशन हो रहा हो। तो जब वो डक्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, तब बेसिकली हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया हो गया उसको हिस्टोलॉजिकली। इसमें इंक्रीज इन डेंस कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू मिलता है एसोसिएटेड विद एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया ऑफ द डक लाइनिंग विद कैरेक्टरिस्टिक टेपरिंग माइक्रोपैपिले एंड लोब्यूल फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट नेवर ऑब्जर्व्ड। ये प्यूबर्टी से लेकर लेटर लाइफ तक किसी भी एज में हो सकता है। अच्छा, ये होता क्यों है, गायनेकोमेस्टिया क्यों होता है, रीजन क्या है? ईस्ट्रोजन इंक्रीज की वजह से होता है, ठीक है, हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म की वजह से होता है। नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव डिजीज विदाउट एटीपिया, सॉरी विथ एटीपिया। तो विथ एटीपिया में क्या आएगा, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया एंड एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया।